नमस्कार दोस्तों, भारतीय मनीषा में, ज्ञान परंपरा में, सभ्यता संस्कृति में स्त्रियों का योगदान हमेशा से बराबर कर रहा है और सम्माननीय रहा है। इसलिए हमारे यहाँ जब भी हम देवी देवताओं का नाम लेते हैं तो पहले देवी का नाम लेते हैं, सीताराम, राधे कृष्ण, गौरी शंकर। आजकल के अगर हम पिछले 5 साल में कोई वैज्ञानिक उपलब्धियों को देखें भारत की, तो 3 उपलब्धियाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक है मंगलयान, चंद्रयान और तीसरा है हमारी कोवैक्सीन वैक्सीन। और इन 3 उपलब्धियों में स्त्रियों का जो योगदान है वो आधे से अधिक, 50% से ज़्यादा रहा है। तो स्त्री का चित्रण वो नहीं है जो फिल्म एनिमल में, जिसमें आजकल पढ़ रहा हूँ कि बड़ा दबा दिया गया है, बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा कि बराबर हमेशा से, आज से नहीं हमेशा से है। मैं क्योंकि हम अब मॉडर्न युग में रहते हैं तो मैंने आपको मॉडर्न युग की 3 उपलब्धियाँ दिखाई। एक मैंने कहा कोवैक्सीन का निर्माण, मंगल मिशन और एक चंद्रयान 3। इन 3 में जो उनका पार्टिसिपेशन है इज मोर देन 50%। और मेरी इस बात को मैं चाहता हूँ कि जो मैं 2 मूवीज रिफर कर रहा हूँ, सारी स्त्रियाँ देखें और स्त्रियाँ देखें ना देखें सारे पुरुष देखें। एक आप अक्षय कुमार द्वारा निर्मित है मंगल मिशन और एक है द वैक्सिंग वॉर, जिन्होंने कश्मीर फाइल बनाई थी। आप इस मूवी को देखें और फिर आप जानेंगे भारतीय सभ्यता संस्कृति में, हमारे ज्ञान विज्ञान में, हमारे आधुनिक में स्त्रियों का क्या रोल है, वो नहीं जो एनिमल में। खुश रहिए।